जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक 2023 के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस मैथ्स के क्वेश्चन में हम लोग आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में बतलाएंगे और आपको पेपर भी दिखलाएंगे। यदि आप लोगों ने अच्छे से परीक्षा दिया है तो आप लोग इस बात का एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको माध्यमिक में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम को दिया होगा। और चलिए चलते हम लोग अब देखते हैं कि इस साल के माध्यमिक पेपर में कैसे प्रश्न आए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिसके कारण वो लोग भी यह जान पाएंगे कि इस बार के माध्यमिक में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, तीन मित्र ए बी सी क्रमशः एक्स टू एक्स एवं वाई रुपए मूलधन लगाकर व्यवसाय शुरू किए। अवधि समाप्त होने पर जेड रुपया लाभ हुआ, तो ए का लाभांश कितना होगा? इसका जो सही उत्तर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उनका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इस समीकरण का समाधान की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है दो। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? दो नंबर। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करने से दोनों वृत्तों का सरल स्पर्शकों की संख्या कितनी होगी? इसका सही उत्तर होगा ए नंबर एक। दूसरा है, थीटा के किस मान के लिए 5+4 साइन थीटा का वृहत्तम मान होगा? इसका जो सही उत्तर होगा यह है 9। चलिए, दो ठोस गोलकों के आयतन का अनुपात 27:8 होने पर उसके वक्र तल का अनुपात कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9:4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक चल राशि के तीन मान 4, 5 और 7 हैं। यदि उनकी आवृत्ति क्रमशः p-2, p+1 है तो चल राशियों का माध्य 5:4 होने से p का मान क्या होगा? ठीक है, जिन लोगों ने भी इस सवाल को बनाया होगा उन्हें पता होगा इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, डी नंबर ऑप्शन 4। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 180 रुपये का एक वर्ष का मिश्र धन 198 रुपये होने से वार्षिक सरल ब्याज कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 10%। ठीक है, चलिए, ए स्क्वायर बी सी एवं 4BC के मध्य समानुपाती x होने से x का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2ABC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा 1:√2 होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इसका जो सही फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, 90 डिग्री। इसमें क्या है देखिए, 18, 15, 10, 11, 7, 9, 11, 13 एवं 16 संख्याओं का माध्यम क्या है? तो 11 होगा। ठीक है, एक पेंसिल की नुकीला सिरा क्या है, शंकु और बेलन का संयुक्त आवृत्ति होती है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखना है हमको क्या है, ये सत्य है या असत्य है। तो पहला जो है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में यदि प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष का ब्याज दर क्रमशः ये परसेंट दे दिया गया है, चक्रवृद्धि मिश्रण आपको ये परसेंटेज दे दिया गया है, क्या यह सही है? इसका जो सही उत्तर होगा वो है नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा, तीसरा गलत होगा, चौथा सही होगा और पाँचवा सही होगा और छठा गलत होगा। ठीक है, इसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने थे, या आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए थे, इसमें से 5 क्वेश्चंस ही आपको देने थे। आप लोग देख लीजिए, जो भी आपका सही होगा आप लोग उसमें से सुनिश्चित हो पाएंगे कौन सा आपका सही है कौन सा आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। देखिए तो ये आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर MCQs हम लोगों ने समाप्त कर दिया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा MCQs सही हो। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा इस बार का टफ था, लेकिन हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिए हैं। या वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से यदि आपको कुछ लाभ मिलता है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।